स्कूल रेडीनेस प्रशिक्षण आदरणीय खंड शिक्षा अधिकारी श्री सुरेंद्र कुमार अहिरवार जी के कुशल नेतृत्व में एवं डाइट मेंटर दिनेश यादव जी की गर्मामयी उपस्थिति में ब्लॉक जेथरा पर प्रारंभ किया गया। इस प्रशिक्षण की कुछ यादगार झलक का प्रस्तुतिकरण किया जा रहा है, जिसमें तैयार विद्यालय क्या है। तैयार विद्यालय ऐसी जगह है जहां बच्चे सुरक्षित महसूस करें। विद्यालय बच्चों को सीखने का अनुभव आधारित और अर्थपूर्ण बनाने का प्रयास करते, यही स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम है। लेकिन ये पहली बार आया है, इसमें एक फॉर्मूला आप लोग भी परिचित हो, इसमें 5+3+3+4 आया ना। तो इसमें सबसे पहला बिंदु है 5। ये 5 वाला बिंदु है जो आप लोगों के लिए है। इसमें 5 में भी क्या है, इसमें बच्चे की पहली जो 3 वर्ष हैं वो आपके स्तर से ही शुरू होनी है, यानी आपकी जिम्मेवारियां यहाँ पर बढ़ी हुई हैं। बच्चों में 5 वर्ष की आयु तक 85% दिमाग का विकास हो जाता है। ECCE अर्ली चाइल्डहुड केयर एजुकेशन प्रारंभिक बाल्यावस्था देखभाल एवं शिक्षा, इसकी जो है 4 मंत्रालय की देख रेख में इसका कार्य हो रहा है। एक है मानव संसाधन विकास मंत्रालय, बाल विकास मंत्रालय, स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्रालय, अनुसूचित जाति जनजाति मंत्रालय काम करता है। NEP में 3 साल में बच्चों की प्रारंभिक शिक्षा शुरू हो जाएगी। NEP में हर कला को स्कूल रेडीनेस प्रोग्राम में बच्चों को प्रेरक घरेलू वातावरण मिलता है, वे विद्यालय में बेहतर प्रदर्शन करते हैं। इसके उपरांत जब बच्चों के माता पिता को उसके प्रारंभिक वर्षों के महत्व से अवगत कराया जाता है तो वे सही समय पर सही तरीके से मदद देने के लिए प्रतिबद्ध रहते हैं। इसलिए यह जागरूकता माता पिता तक सीमित नहीं होनी चाहिए, बल्कि देखभाल करने वाले परिवार व समुदाय के अन्य सदस्यों तक पहुंचानी चाहिए कि यदि हमसे कोई गलती हो जाएगी तो हमें स्वीकार करने में कोई गुरेज नहीं है। बोलना नहीं है आपको, नेताजी, चाचाजी, बापूजी, नेताजी, कठिन तो नहीं है, सरल है ना सर? देख लो और देखिए, 3, 5, 6, 7, 8, 4, 3, 2, 1। झुकते थे हरी गुमेरा जारानी, जिनके चरणों में झुकते थे हरी गुमेरा जारानी, बदल दिया इतिहास पलों में घर टकराया अभिमानी, बदल दिया इतिहास पलों में घर टकराया अभिमानी, कर्तव्यों को गले लगा कर संघर्षों में रहते हैं। विद्यालय में नियमित अभिभावक बैठक होनी चाहिए, बच्चों में पर्यावरण के प्रति और सब्जियों के बारे में जाने के लिए बाल वाटिका होनी चाहिए। विद्यालय में पोषण वाटिका होना अति आवश्यक है। विद्यालय का सौंदर्य प्रांगण अच्छा होना चाहिए, बच्चे भौतिक परिवेश से सीखते हैं। बच्चों में मोटिवेशनल मेंटल एटीट्यूड होना चाहिए, बच्चे से प्रीपेड होते हैं। बच्चों में जो है व्यायाम खेलकूद आदि का, बच्चे बड़ी तालीसा से पढ़ते, परवेश से घोड़ा है इसकी आवाज़, चित्र दिखाकर बच्चों को बड़ी आसानी से सिखा सकते हैं। ये शेर है, शेर की आवाज़ निकाल के चित्र दिखा के बच्चे को समझा सकते हैं। ये बकरी है, बकरी की आवाज़, ये भैंस है, भैंस की आवाज़ और चित्र देखकर, ये गाय है, गाय की आवाज़, ये बकरी है, इसको बड़ी आसानी से बच्चे सीखते हैं चित्र देखकर। चित्र पठन कहते हैं, ये हाथी है, ये डॉग है जिसे कुत्ता कहते हैं, ये घोड़ा है, हॉर्स, घोड़ा दौड़ रहा है, ये हाथी है, हाथी को देखकर बच्चे बड़ी आसानी से सीख जाते हैं। बच्चों में पर्यावरण के प्रति, पौधों को लगवाना चाहिए, उनकी देख रेख का जिम्मा उन्हें ही सौंपना चाहिए। पर्यावरण की जानकारी के लिए बच्चों को, जैसे ये मोर है, मोर के बारे में बच्चा अच्छी तरह से जानता है, ये हमारा रा, रा...
अकाल सलाह में भले ही मैं विलंब से आया, लेकिन मुझे कुछ इस प्रकार के हीरे मोती दिखाई दिए जिनको मैं बार बार जो है मंच पर बुलाना चाहूंगा। और अभी जो है अध्यापक जो हमारे सामने आए थे, इनको मैं कहीं भी जो है बुलाने के लिए तैयार रहे। कभी भी जो उनको जो है जलेस पे भी बुलाऊंगा, ब्लैक पर भी बुलाऊंगा। और आप बहनों में से भी कई लोगों में इस प्रकार की प्रतिभा दिखाई है जो कि जो है इस प्रकार की कार्यशाला में होनी ही चाहिए। भले ही हमारा जो इस एक आज इसी कार्यशाला हुई है, अन्य ब्लॉकों की अपेक्षा एक डिग्री कॉलेज में नहीं हुई या किसी बंद प्रांगण में नहीं हुई, हमारे खुले में आप लोग बैठे, इससे इस पर कोई फर्क नहीं पड़ता। लेकिन जिस प्रकार से आप लोगों ने बढ़ चढ़कर भाग लिया और अपनी ऊर्जा को प्रस्तुत किया, और हमारे एसआरजी महोदय और जो डायट मेंटल जी और आप सभी लोगों ने इस प्रकार योगदान दिया, ये जो है काबिले तारीफ है। ये किसी उस प्रकार कम नहीं है कि अभी हम लोग देख रहे हैं, हमारे ग्रुप में आ रहे हैं, मैसेज आ रहे हैं कि जो अन्य ब्लॉकों में काफी साज सज्जा हुई है, किसी डिग्री कॉलेज प्रोग्राम हुआ या किसी बंद परिवेश में हुआ, भले ही हमारे पास जो संसाधन नहीं थे, लेकिन हमारे संसाधन तो आप लोग हो, हमारे संसाधन आप लोग हो, ना कि कोई जो है बंद प्रांगण या बंद डिग्री कॉलेज। अगर आप जैसे लोग रहेंगे हमारे पास, तो हमारे संसाधन तो दिनों दिन बढ़ते रहेंगे और इस प्रकार की कार्यशाला जो है होती रहे। मैं आपसे यही आशा करता हूँ, जल्दी जल्द अगली कार्यशाला हो, शायद जनवरी में कार्यशाला फिर से होगी, ये 2 महीने बाद, तब भी आप लोगों को इसी उत्साह से और इसके और अतिरिक्त उत्साह से आना है, और आप सभी बधाई के पात्र हैं। धन्यवाद। तुमने हाल फिलहाल बके कहे पापा की मम्मी क्या कहते थे हमसे, हमें सुनती नहीं, हमें वह साड़ी चाहिए बढ़िया सी 2000 कल पाए। दोनों को दो चपत लगाई, आधा तू ले चुन्नू बेटा, आधा तू ले मुन्नू बेटा, ऐसा झगड़ा कभी न करना, ऐसा झगड़ा कभी न करना, मिलजुल कर। अंदर काका नाच रहे थे, हलवा पूरी बांट रहे थे, हलवा पूरी बांट रहे थे, छमछम छमछम ठुमका लगाया, छमछम छमछम ठुमका लगाया, सब बच्चों को खूब हंसाया, सब बच्चों को खूब हंसाया। Oh,